सो दोस्तों, आज हम लोग आपके साथ जिस कंपनी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, वो है मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए हैं, काफ़ी लोगों ने मुझे टेलीग्राम पर भी बोला कि सर मेघमानी ऑर्गेनिक्स के ऊपर एक एटलीस्ट वीडियो जरूर क्रिएट कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक ज़बरदस्त फॉल आया। बट दोस्तों, बात शुरू करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जब मैंने अर्लियर वीडियोज़ डाले थे, उस वक्त ही मैंने आप सभी को बोल दिया था कि मेघमानी ऑर्गेनिक्स 69 रुपीज़ पर एक बड़ा सपोर्ट मेंटेन कर रहा है। अगर वो 69 रुपीज़ का बड़ा सपोर्ट टूट जाता है, देन आपको वहाँ से एग्जिट कॉल लेनी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको 56 रुपीज़, 55 रुपीज़ के आसपास तक मेघमानी ऑर्गेनिक्स मिलेगा। एंड रिजल्ट क्या हुआ कि जब 69 रुपीज़ टूटा, तो कल यानी कि 1 नवंबर को मेघमानी ऑर्गेनिक्स ने 56 रुपीज़ का लो टच किया, जो मैं आपको चार्ट्स के थ्रू जरूर दिखा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आगे की बातचीत शुरू करेंगे, बल्कि आज ही टच किया, 2 नवंबर को, 2 नवंबर को 56 रुपीज़ 60 पैसा, जो कि आपको याद होगा जब मैंने रिव्यू वीडियो डाला था, तब भी मैंने आप सभी को इस सपोर्ट के लेवल में बात किया था कि फिलहाल अभी बाइंग नहीं करनी है, काउंटर में आपको 56 के लेबल्स देखने को मिल सकते हैं। टुडे 56 के लेबल्स आए थे। अभी आगे क्या है मेघमानी ऑर्गेनिक्स में, क्यों ये फॉल्स आए, इसके बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताऊंगा आपको। रेस्ट की आपको आगे करना क्या है, कंपनी का फ्यूचर क्या है, उसके बारे में जो इन्वेस्टर जो प्रेजेंटेशन जो मीट हुई थी, उसमें जो इन्वेस्टर्स की जो प्रेजेंटेशन रही है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा पूरी तरह से करेंगे। जो कमियाँ मुझे नज़र आई, जो वीकनेसेस मुझे नज़र आई, कमी जो भी काउंटर है उसके बारे में, वो पहली चीज़ तो देखिए कि अगर हम ऑर्गेनिक सेक्टर की बात करते हैं या एग्रोकेमिकल्स की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो GNFC की, अगर आप नंबर उठा के देखेंगे, गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अगर आप रिजल्ट उठा के देखेंगे, जो कि एग्रो एंड पेस्टिसाइड सेक्टर के, उसके नंबर्स काफ़ी बेहतर है। बट कहीं ना कहीं मेघमानी ऑर्गेनिक्स के नंबर्स में जो फ्लैट टू नेगेटिव आप मान सकते हैं, और उसके नंबर्स को मैं आपको थोड़ा सा इन ब्रीफ में डेफिनेटली आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा मेघमानी ऑर्गेनिक्स के एट प्रेजेंट जो भी फिनेंशियल सितंबर में नंबर्स आए हैं। तो यहाँ पर हम लोग आपको सितंबर नंबर्स के बारे में बताते हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा, आपको मन करे सुनिए, आपके फ़ायदे की चीज़ है और आपका ही उसमें फ़ायदा होने वाला है। सितंबर 17 में मेघमानी ऑर्गेनिक्स की जो टोटल सेल्स रही थी, जो भी स्टैंड अलोन बेसिस पर, ठीक है, अब जो उसकी अदर सब्सिडरीज हैं उसके इसमें एडिट नहीं है, सो हम लोग देखते हैं कंसोलिडेटेड अगर नंबर्स आए होंगे तो कंसोलिडेटेड में बात कर लेते हैं। सो ये कंसोलिडेटेड ग्राउंड पे, जिसमें कि जो मेघमानी ऑर्गेनिक्स और उसकी जो अदर सब्सिडरीज हैं, उन सब का टोटल जो भी नेट सेल्स वगैरह सब इंक्लूडेड है इसमें। सो टोटल जो कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं वो 501 करोड़, यानी 501 करोड़ 40 लाख का टोटल नेट सेल्स रहा है कंपनी का सितंबर 18 में, जबकि सितंबर 17 में 460 करोड़ का नेट सेल्स रहा था, यानी कि लगभग 41 करोड़ के आसपास सेल्स इंक्रीज हुआ YoY पे। और जून क्वार्टर में जो कि 476 करोड़ था, उससे भी QoQ में भी कंपनी का नेट सेल्स इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताता हूँ कि जो प्रॉफिट्स रहे एक्सेप्शन आइटम, बाकी जो कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल, इनका 271.94 करोड़ का रॉ मटेरियल कंज्यूम किया इन्होंने, जबकि लास्ट ईयर 17 में 244 करोड़ का ही रॉ मटेरियल कंज्यूम किया इन्होंने, ठीक है। उसके अलावा एम्प्लॉय कॉस्ट में लगभग 21.38 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, आपके बारे में 37 करोड़, यानी एम्प्लॉय कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई, ठीक है। डेप्रिसिएशन में ऑलमोस्ट लगभग सेम ही डेप्रिशिएट हुआ है। इसके अलावा जो अदर एक्सपेंसेस थे वो 90 करोड़ थे पिछली बार, आपके 95.6 करोड़ के आसपास रहे हैं। सो ओवरऑल अदर इनकम पिछली बार जहाँ 10 करोड़ की अदर इनकम की थी, आपकी बार 17 करोड़ की अदर इनकम्स रही हैं। एंड ओवरऑल जो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस रहा है वो पिछली बार 79.67 करोड़ था, आपके बार 92 करोड़ के आसपास का PVT रहा है। और टैक्सेस पेमेंट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है वो 55 करोड़ से बढ़कर 61 करोड़ इनका कंसोलिडेटेड बेसिस पर नेट प्रॉफिट आ गया। बट स्टैंड अलोन पे क्या है, अकेले मेघमानी ऑर्गेनिक्स की अगर हम बात करते हैं, उसके सब्सिडरीज को हटा देते हैं, तो आप देखेंगे उसका जो सितंबर क्वार्टर में जो नंबर आए थे वो 332 करोड़ के सेल्स थे, जबकि सितंबर 17 में 343 करोड़ के सेल्स थे। यानी कि अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे केवल मेघमानी ऑर्गेनिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर उनकी सेल्स डिक्लाइन हुई है माइनर सी। साथ ही प्रॉफिट्स की बात करेंगे तो प्रॉफिट्स लिटिल बिट इंक्रीज हुए, 43.76 करोड़ से बढ़ के 47.76 करोड़ पहुँच गए।
और नेट प्रॉफिट की बात करें तो 28.8 करोड़ से बढ़कर 31.26, तो ओवरऑल फ्लैट टू पॉजिटिव आप स्टैंड अलोन बेसिस पे आप इनके प्रॉफिट्स को मान सकते हैं, जबकि जो सेल्स है वो कहीं ना कहीं घटी है। बेसिक ईपीएस भी 1.13 से बढ़ के 1.23 हो गया। लेकिन एक चीज़ है जो कि दो चीज़ें मेरे जो नोटिस में आई हैं इस कंपनी के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसकी वजह से मुझे फिलहाल अब इस स्टॉक में थोड़ी वीकनेस जो नज़र आ रही है, जो गिरा है काउंटर और यहाँ पर यहाँ से आप किसी बहुत बड़े बुलिशनेस की एक्सपेक्टेशन फिलहाल आप अगले एक दो महीने में नहीं कर सकते। लगभग जब तक मेघमारी इलेक्ट्रॉनिक्स अगेन 72 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देता तब तक इसमें वीकनेस बनी रहेगी। आपको 55 का वापस बॉटम भी देखने को मिल सकता है इनकेस अगर, चूँकि देखिए अभी क्यों आज बढ़ा मार्केट, लगभग आप देखेंगे निफ्टी लगभग 190 पॉइंट के आसपास ऊपर रहा, तो कहीं ना कहीं जब मार्केट बुलिश होता उस वक्त आपके जो काउंटर्स होते हैं चाहे वो वीक काउंटर हो चाहे वो स्ट्रांग काउंटर हैं उनमें कहीं ना कहीं खरीदारी होती है और वो ट्रेडिंग बेसिक्स पे होती है। अगर आप डिलीवरी देखेंगे तो मेघमारी और इसी लगभग 31-32% के आसपास की डिलीवरी रही है आज की, यानी कि ज़्यादातर क्वांटिटीज़ को ट्रेड किया गया, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं कि अभी फ़िलहाल जो लेबल्स है वो अभी अगर मार्केट में करेक्शन आना शुरू हो जाता है, अगर एक दो दिन या नेक्स्ट वीक से प्रॉफिट टेकिंग शुरू हो गई देन वहाँ पर मेघमानी ऑर्गेनिक्स में भी वीकनेस आपको दिखाई दे सकती है, वापस 55-56 के लेबल दिख सकते हैं आपको। मैं यही कहूँगा कि अब जब तक सेंटिमेंट्स पॉजिटिव नहीं होते, सेंटिमेंट पॉजिटिव कब होंगे जबकि मेघमानी ऑर्गेनिक्स वीकली चार्ट पर 72 के ऊपर की क्लोजिंग देगा। तो हम ये चार्ट लेवल पर आपको बता देते हैं, ठीक है, ये 75 का टारगेट है। मैं अब 75 का आपको बताता हूँ क्यों, क्योंकि जब वीकनेसेस आ जाती हैं जब गिरावट का दौर आता है तब आपको ये देखना पड़ता है कि किन लेवल्स के ऊपर क्लोजिंग आती है तब ट्रेंड रिवर्सल आएगा, क्योंकि गिर तो रहा ही है काउंटर, अगर उसमें थोड़ा सा दरक आके ऊपर की तरफ आया तो इसका मतलब उसमें रिवर्सल नहीं है। रिवर्सल के लिए जो स्ट्रांग लेवल्स होते हैं रेजिस्टेंसेज होते हैं वो ब्रेक करने पड़ते हैं। मुझे लगता है लगभग 75 रुपीज़ आप यहाँ से मान के चलिए, 75 के ऊपर की वीकली क्लोजिंग आती है अगर काउंटर के अंदर देन हम मान सकते हैं कि काउंटर में आपको पॉजिटिविटी मिलेगी देखने को। फिलहाल काउंटर में किसी भी तरह का पॉजिटिव अप्रोच नहीं बनती है, अभी वीकनेसेस हैं। आप देखेंगे वीकली जो क्लोजिंग देखेंगे वो काफ़ी ख़राब क्लोजिंग हुई है, 69 का सपोर्ट तोड़ के नीचे की तरफ क्लोजिंग हुई है। तो जब ये सपोर्ट तोड़ा है और दूसरा सपोर्ट जो 56 है उसको ऑलमोस्ट टच कर चुका है, नेक्स्ट वीक अभी स्टिल मेरे को और गिरावट नज़र आती है। मुझे लगता है 50-55 के रेंज आपको मेघमानी इलेक्ट्रॉनिक्स में देखने को मिल सकती है। तो शॉर्ट टर्म में किसी भी बुलिशनेस की एक्सपेक्टेशन मत कीजिए। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम लोग रेशोज़ में आते हैं तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप नोट कराता हूँ कि इनका जो एंटरप्राइज वैल्यू है, आप देखेंगे कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू पिछली बार 1250 करोड़ 99 लाख का था, इस बार जो कंपनी का जो एंटरप्राइज वैल्यू डिक्लेयर किया कंपनी ने वो 2522 करोड़ का है, जबकि इन करस्पॉन्डिंग अगर आप इसके कंपेयर करते हैं कंपेयर विद द मार्केट कैप तो 2522 करोड़ का जो एंटरप्राइज वैल्यू है उसके मुकाबले जो मार्केट कैप है वो काफ़ी कम हो चुका है और मार्केट कैप लगभग 1613 करोड़ के आसपास का है, जबकि किसी भी बुलिश काउंटर में किसी भी स्ट्रांग काउंटर का जो संदेश होता है जो संकेत होता है वो ये होता है कि मार्केट कैप जो है अगर आपकी मार्केट कैप एंटरप्राइज वैल्यू से नीचे चली जाती है तो यानी कि काउंटर में वीकनेस बढ़ चुकी है, काउंटर कमज़ोर हो गया। भाई सीधी सी बात है, आपका पोर्टफोलियो आपके पोर्टफोलियो की वर्थ 2 लाख रुपए है बट एक्चुअल मार्केट वैल्यू अभी अगर 1 लाख रुपए है तो अगर आज आप सेल करेंगे अपने शेयर्स को तो आपको कितना पैसा मिलेगा, 1 लाख रुपए मिलेगा। सेम मार्केट की वैल्यू कि जो पूरी एंटरप्राइज है उस एंटरप्राइज की जो वैल्यू है एट प्रेजेंट वो 2522 करोड़ के आसपास है, बट अगर आज की तारीख की हम बात करते हैं तो आज जो काउंटर है उसमें 25 करोड़ 43 लाख शेयर्स इस वक्त मार्केट में ट्रेड हो रहा है। तो अगर वो सारे शेयर्स की अगर आप कीमत लगाते हैं तो वो केवल 1613 करोड़ के आसपास की उसकी फ़िलहाल मार्केट कैप है, यानी कि लगभग 1000 करोड़ के आसपास की जो गैप है एंटरप्राइज वैल्यू में और मार्केट कैप में वो बहुत बड़ा गैप होता है और ये एक बड़ी वीकनेस इंडिकेशन कर रही है काउंटर के अंदर। दूसरी बड़ी चीज़ बाकी देखिए फंडामेंटल रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं ये सारी चीज़ें सबको पता है कैसे आ रहे हैं। दूसरी बड़ी चीज़ कि जो इन्वेस्टर मीट्स की बात हो रही है, देखिए कॉरपोरेट गवर्नेंस की अगर बात निकल के आ रही है तो बहुत सीधी सी बात है दोस्तों कि जब भी कॉरपोरेट गवर्नेंस जैसे इशू होते हैं तो इस तरह की पैनिक सिचुएशन होती है, लेकिन उससे कंपनीज बंद नहीं हुआ करती। क्यों? जब भी मैनेजमेंट इशू होते हैं, जब भी कहीं पर इंटरनल कुछ ऐसे बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं तो उस वक्त
जो भी आपकी जो अथॉरिटीज़ हैं, जो भी आपकी लाइक सेवी हो गई, चाहे वो गवर्नमेंट बॉडीज़ हो गई, जो भी कुछ है, उन सभी के जो रेगुलेशन है वो अप्लाई अप्लीकेबल होते हैं, वहाँ पर वो मैनेजमेंट को चेंज करते हैं। आपने ILFS का केस देखा होगा, ILFS में डिफ़ॉल्ट कंटिन्यूसली हो रहा है, तो उसमें मैनेजमेंट को चेंज कर दिया गया, उसमें नया मैनेजमेंट चुना गया। तो सेम इसमें भी है कि अगर कुछ ऐसा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आता है, क्योंकि अभी तो ये र्यूमर्स है एक तरीके की, अभी ऐसा कुछ न्यूज़ बेसिस पर नहीं है कुछ, अगर आप बात करें कि एक कंफर्म न्यूज़ जो होती है अभी, वो कुछ नहीं कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस है इशू है या नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं आया है। जब तक कुछ भी ऐसा ऑन पेपर ऑफिशियल नोटिस नहीं आता कि मेघमानी ऑर्गेनिक्स में कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशू है, तब तक आप इन र्यूमर्स को ध्यान मत दो, बिकॉज सब कुछ इवेंट जो होते हैं वो टेक्निकली चलते हैं। क्यों, किस तरह के लोगों के सेंटीमेंट्स हैं, नंबर्स अच्छे नहीं आए कंपनी के, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नंबर्स नहीं आए। दूसरी चीज़, कुछ चीज़ें थी जो कि क्लैरिफाई नहीं हो पाई, तो लोगों को लगा कि ठीक है कॉर्पोरेट इशूज़ है, और मैं मानता हूँ कि अगर वो इशूज़ है तो उसको देखना पड़ेगा कि क्या उनके लिए क्या क्लैरिफिकेशंस आ रहे हैं और क्या नोटिसेस आ रहे हैं, चाहे वो BSE की तरफ से हो या फिर आपके SEBI की तरफ से हो, कुछ ऐसा आ रहा है तब तो ठीक है। अदरवाइज जब तक ऐसा कुछ नहीं आता, तो आप इन र्यूमर्स से हटके और चीज़ों पर फोकस कीजिए, और वो ये है कि अभी एट प्रेजेंट जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 50.31% जो है वो प्रमोटर्स के पास है, आप ठीक है। और ये एक बड़ी चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये की है कि अगर हम 2013 से बात करते हैं, 2013 मार्च से बात करता हूँ मैं, 2012 मार्च से बात करता हूँ, 2012 मार्च के ऑनवर्ड हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न को मीजर कर देंगे किस तरह से चेंजेस हो रहे हैं। 2000 मैं आपको चलिए 11 के भी दिखा देता हूँ, एट प्रेजेंट सबसे पहले के जब थे 2011 मार्च में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स थी वो थी 62.56 करोड़ की, ओके। उसके बाद 2012 मार्च में जो प्रमोटर्स होल्डिंग थी वो आपकी इंक्रीज होकर हो गए 63.24%, ठीक है। एंड 63.24% के बाद मार्च 13 में, नेक्स्ट वन ईयर के बाद जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नहीं दिखा रहा हूँ, घटी और 62.74% आपकी प्रमोटर्स की होल्डिंग हो गई नेक्स्ट मार्च में 13 के बाद। अगर मैं 14 मार्च की बात करता हूँ एक साल बाद, तो उसके बाद आप देखेंगे जो प्रमोटर की होल्डिंग है फिर इंक्रीज हुई और 63.33% पहुँच गई, ठीक, यानी कि वापस उसी लेवल पर आ गई, ऑलमोस्ट आ गई। मार्च 14 के बाद मार्च 15 में अगर मैं देखूंगा तो जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो 59.85% चल गई, यानी कि लगभग 4.5 से 4% प्रमोटर्स की होल्डिंग एक साल के अंदर गिर गई, कम हो गई, ठीक है। और इसके बाद से कंटिन्यूसली आप देखेंगे प्रमोटर्स की होल्डिंग कंटिन्यू गिर रही है। मार्च 15 के बाद मार्च 16 में आप देखेंगे 59.24% रह गई, कुछ और डिक्लाइन हुई। मार्च 16 के बाद मार्च 17 में आप देखेंगे 55% रह गई, यानी कि फिर 4% गिरी, 4.5% प्रमोटर्स की होल्डिंग गिरी, एक बड़ा परसेंटेज गिरा एक साल के अंदर 16 से 17 के बीच में। 17 से मार्च 18 के बीच में 55% से गिर के 50.39% रह गई, यानी सिर्फ आप ये देखिए पिछले दो साल से, पिछले दो तीन सालों से 5% की शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स की कम होती चली जा रही है। अब ये 5% कहाँ हो गए, 50% चला गया प्रमोटर्स की होल्डिंग। और अभी मार्च 18 के बाद सितंबर 18 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है वो रह गई कितनी, 50.31%। और आप ये बात को समझ लीजिए अच्छी तरीके से कि जब तक प्रमोटर्स के हाथ में चीज़ें हैं, जब तक प्रमोटर्स के पास 51 या जो अदर्स हैं उनके पास 49% का स्टेक नहीं रह जाता, और प्रमोटर्स के पास 51 या उससे अबव का स्टेक रहता, जैसे ही 50% का स्टेक आएगा, यानी कि जो पब्लिक होल्डर्स हैं और जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं दोनों की इक्विवेलेंट पार्टनरशिप हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ये एक बड़ा कंसर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि अगर अगले कुछ महीनों में प्रमोटर्स ने और अपने स्टेक को डिक्रीज किया और बिलो 50 आता है, देन डेफिनेटली कुछ ना कुछ इशू है, देन डेफिनेटली कंपनी के साथ कुछ ना कुछ बड़ा कंसर्न है, और इस चीज़ को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और इस चीज़ को हमें फोकस करना पड़ेगा। रीज़न कि कंटिन्यूसली हम देखेंगे जहां पर 63% की होल्डिंग थी 15 मार्च 15 में, वो पिछले तीन साल में घट के 63 से 50% रह चुकी है। और अगर अगले कुछ महीनों में कुछ क्वार्टर में और परसेंटेज गिरती है और बिलो 50 स्टेक आ जाता है, देन डेफिनेटली कंसर्न है और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात हो गई प्रमोटर्स की होल्डिंग की। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ
जो भी इश्यूज वगैरह हैं वो आप इतने बढ़िया नंबर्स नहीं आए हैं कंपनी के, और मेघबानी और इसकी जो अदर डिटेल थे लाइक बुक वैल्यू लगभग 34 के आसपास की है, और अगर आप बुक वैल्यू की बात करेंगे तो अभी भी लगभग 2 times बुक वैल्यू से ट्रेड कर रहा है काउंटर, लगभग 63 के आसपास है। मुझे लगता है मेघमानी ऑर्गेनिक्स में 50 से 55 के लेबल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, नॉट श्योर कि कब तक मिलेंगे, बट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि मैं ये मानता हूँ 50 से 55 के लेबल्स हमें मेघमानी ऑर्गेनिक्स में देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट में दोबारा से गिरावट आनी शुरू होती है इन दैट केस। ओके, करंट रेशियो 2.31 का, डेट इक्विटी रेशियो 0.44 का है, इसके अलावा ROCE 30.11 की है, EPS 8.34 का, OPM जो है वो 25.16 का। सो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो उसके अलावा हम लोग बात करते हैं जो इनका इन्वेस्टर्स का जो प्रेजेंटेशन रहा है जो इन्होंने डिक्लेयर किया उसके बारे में, चलिए हम लोग आइए चर्चा शुरू कर लेते हैं। सो दोस्तों, ये मेघमानी ऑर्गेनिक्स जो लिमिटेड है उसका प्रेजेंटेशन है Q2 FY19 के समय में जो कंपनी ने पेश किया था, और इसमें कुछ डिस्क्लेमर दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की बाइंग या सेलिंग के लिए ये प्रेजेंटेशन तैयार नहीं कर रहे हैं, केवल एक उनके एक ब्रीफ फ्यूचरिस्टिक जो भी उनके उनका आगे का भविष्य का प्लानिंग है जो एट प्रेजेंट स्थिति है उसको दिखाया जा रहा है। बिजनेस ओवरव्यू, स्ट्रेटजी एंड आउटलुक, फाइनेंशियल ओवरव्यू एंड Q2 FY19 रिजल्ट अपडेट्स वगैरह हैं। ठीक है, इनका बताना कि प्रेजेंस इन द मोर देन 75 कंट्रीज, सर्विंग ओवर 400 कस्टमर्स अक्रॉस ऑल 3 बिजनेस सेगमेंट्स, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद द सब्सिडरीज इन द US, दुबई एंड ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस इन चाइना। ठीक है, 4 वेयर हाउसेज इन द तुर्की, रशिया, USA एंड द उरुग्वे, इनके 4 वेयर हाउसेज एंड 7 डेडिकेटेड मैनुफैक्चरिंग फैसिलिटीज इंडिया के अंदर। ओके, तो ये इनका पूरा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। मेघमानी ऑर्गेनिक्स USA INC एंड मेघमानी ओवरसीज एफिजेट दुबई, ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन सब्सिडरीज हैं इनकी। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स, पिगमेंट 79% का एक्सपोर्ट रहता है इनका, एग्रोकेमिकल 67% का एक्सपोर्ट है, बेसिक केमिकल्स 5% का एक्सपोर्ट है, टोटल रेवेन्यू का, टोटल रेवेन्यू उसका 55% जो है वो एक्सपोर्ट से मिलता है इनको। अब पिगमेंट में स्टार्ट इन 1986 अमंग द टॉप 3 ग्लोबल थाइलोसिनामाइन बेस्ड पिगमेंट प्लेयर्स एंड 14% द ग्लोबल मार्केट शेयर्स, FY18 रिवेन्यूज 5877 मिलियन, एबीटा मार्जिन 14.4%, 32.6% ऑफ द ओवरऑल कंपनी रिवेन्यूज एंड 33.8% ओवरऑल कंपनी एसेट्स जो है वो पिगमेंट सेक्टर के। एग्रोकेमिकल्स में 1995 में स्टार्टेड हुई थी, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पेस्टिसाइड्स इन इंडिया में, प्रोडक्ट्स अक्रॉस द एंटायर वैल्यू चेन, FY18 के जो रिवेन्यूज 6423 मिलियन के हैं, एबीटा मार्जिन 15.3% है, 35.6 ओवरऑल कंपनी रिवेन्यूज हैं एंड 28.3% जो है वो ओवरऑल कंपनी का एसेट्स हैं। बेसिक केमिकल्स कौन से, स्टार्ट इन 2009 में, 4th लार्जेस्ट कॉस्टिक क्लोरीन प्लेयर इन द इंडिया, वन ऑफ द लोएस्ट कॉस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द कॉस्टिक सोडा इन इंडिया, FY18 में जो रिवेन्यू रहा इनका 5975 मिलियन का रहा है, एबीटा मार्जिन 42.7% का है, 33.1% जो ओवरऑल इनका कंपनी रिवेन्यूज है एंड 36.5% ओवरऑल कंपनी एसेट्स है। अब पिगमेंट इनका आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट इनका पिगमेंट का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा रिवेन्यू इनका पिगमेंट से जनरेट होता है। पिगमेंट के लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो होता है क्रूड ऑयल, आप समझ लीजिएगा कच्चा तेल, कच्चे तेल की कीमत बहुत ऊंची है आसमान में, वो इम्पोर्ट करती है कंपनी, और रुपी का डेप्रिसिएशन हो गया है इस क्वार्टर के अंदर, तो लोअर जो लो वैल्यू रुपी से इनने हायर वैल्यू का क्रूड इंपोर्ट किया जिससे इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हुई, और इनपुट कॉस्ट इंक्रीज होने के चक्कर में इनका जो प्रॉफिट मार्जिन था वो डिक्रीज हो गया। सो एक मेन रीज़न तो ये रहा स्टॉक में फॉल होने का या रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आने का। ठीक है, इसके अलावा रेवेन्यूज 18,033 मिलियन का, 11.2% CAGR, एबिटा मार्जिन 23.9% का, पेट मार्जिन 13.2% का। इसके अलावा एग्रोकेमिकल में एबिटा रुपीज़ 4,312 मिलियन का, 21.8% CAGR, डेट इक्विटी 0.35x, पैट 2,379 मिलियन, 60.9% CAGR, एंड ROCE 23.9%, ROE 24.2%। तो ये इनका तीनों सेगमेंट का जो भी रिवेन्यू और एबिटा जो पैट है वो इनका स्ट्रक्चर है। ओके, ओवरऑल बाकी इनका आप ये देख सकते हैं डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस है इनका, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी एंड द रिटर्न रेशियो, हेल्थ बैलेंस शीट्स, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप इसकी शीट में पढ़ सकते हैं, BSE की वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं आप। रोबस्ट रिटर्न रेशियो, इंप्रूविंग प्रॉफिटेबिलिटी, लीनर बैलेंस शीट, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द रिटर्न रेशियो, ROCE 8.7% FY14 23.9% था FY18, मतलब 8.7% से बढ़कर 23.9% हो चुकी है पिछले 4 साल में, 5 साल में।
आरओई 6.0% थी 2014 के अंदर, जो कि अब 24.2% हो चुकी है, वही 18 में बढ़ गए। ओवरऑल ग्रोथ रेशो काफ़ी अच्छा है कंपनी का, जो कि एट प्रेजेंट ये कंपनी दिखा रही है, प्रेजेंट कर रही है। ओके, स्ट्रॉन्ग एफ सी एफ जनरेशन लीडिंग टू सिग्निफिकेंट डेट रिपेमेंट, स्ट्रॉन्ग एफ सी एफ जनरेशन ऑफ 3,685 मिलियन ओवर द 14 to 18, कम्युलेटिव डेट रिपेमेंट ऑफ द 3,313 मिलियन ओवर द 14 to 18, और डी रिड्यूस फ्रॉम द 1.24x इन द 18 टू 0.34x इन द डेट इक्विटी रेशियो, जो कह रहा है रिड्यूस हो गया आपका 1.24x था, जो कि अब 0.35x रह गया। ओवरऑल एबिटा मार्जिन इंप्रूव्ड हो गया 16.6% है 23.9% ओवर द 14 से लेके 18 तक। ऑपरेशनल बाय जून 19 ऑफ द ऑनगोइंग रुपीज 6.4 बिलियन कैपेक्स इन हाई मार्जिन बेसिक केमिकल सेगमेंट विल फर्दर ड्राइव द ओवरऑल एबिटा मार्जिन फॉर द कंपनी। ओके, अब की माइलस्टोन्स वगैरह क्या है, की माइलस्टोन्स में आप ये देख सकते हैं 2018 में इन्होंने MOL गेव सक्सेसफुल एग्जिट टू द IFC फ्रॉम द MFL बाय परचेजिंग 24.97 फॉर 2212 मिलियन। मतलब इन्होंने क्या किया, MOL जो है, ठीक है, मेघमानी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने सक्सेसफुली जो एग्जिट कर दिया IFC से फ्रॉम द MFL बाय परचेजिंग 24.97, जो कि स्टेक की बात हो रही है, सब्सिडरी के द्वारा परचेज करने की उसकी बात है, 24.97% स्टेक को 2,212 मिलियन रुपीज़ में उसको बाई कर लिया। ओके, इसके अलावा 2016 में एक्सपेंशन इनटू कास्टिक पोटाश प्रोडक्शन हुआ था, 2013-14 में सेटअप न्यू पिगमेंट प्लांट एट द दहेज SEZ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कास्टिक क्लोरीन फैसिलिटी, ये हुआ था। फिर 2010 में ये अक्वायर्ड एग्रोकेमिकल एसेट रैली, सिंगापुर लिस्टिंग 2004 एंड द इंडिया लिस्टिंग 2007, एस्टेब्लिशमेंट FFL, फिर 24.97% पार्टिसिपेशन फ्रॉम द IFC, सेटअप टू न्यू फैसिलिटीज फॉर द एग्रोकेमिकल एट द पनौली एंड द दहेज, तो ये सारी चीज़ें। अभी बात आ रही है कि भाई यहाँ पर जो कह रहे हैं कि इन्वेस्टर मीट में जो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिएगा, कि इस 24.97% की जगह अगर कैश मांग लिया सब्सिडी ने, तब इस पर इस स्टेक से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये एक तरीके के र्यूमर्स हैं, इन पे अभी इतना फोकस करने की जरूरत नहीं है मुझे नहीं लगता। और र्यूमर्स के चलते ही अगर आपको अच्छी तरीके से पता होगा, इन्फीबीम को के स्टॉक को 250 रुपये से 30 रुपये का स्टॉक एक व्हाट्सएप के मैसेज ने कर दिया था। तो गाइस, ये मार्केट है, यहाँ पर एक छोटी सी एक बात भी किसी भी बड़े से बड़े स्टॉक को क्रैश कर सकती है। DHFL जितने किसी भी तरह का डिफॉल्ट नहीं किया था, एक DSB करके म्यूचुअल फंड था, उसने एक जो भी पेपर से DHFL के वो सेल कर दिए थे, बिकॉज वो इसलिए सेल कर दिए थे क्योंकि उसका उसको डिफॉल्ट का प्रॉब्लम हो रहा था, पेमेंट चाहिए था उसको, तो उसको कोई और प्रोफेशनल पेपर जो थे वो सेल आउट नहीं होता, उन्होंने DHFL के सेल कर दिए थे, सो दैट वाज द रीज़न। बट DHFL उसमें कहीं पर भी इंगेज नहीं था, लेकिन फिर भी DHFL का 67% टूट गया जो भी स्टॉक था। तो ये सारे मार्केट के न्यूज़ बेसिस पे होते हैं, हो सकता है कुछ बड़े परचेजर बैठे हों जो इस तरह की चीज़ें करते हों कि बस इस तरह की न्यूज़ उसको फैला दो, एक बड़ा पैनिक आएगा, एक अच्छा स्टॉक आपको लोअर बॉटम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेघमानी बहुत अच्छा स्टॉक है बहुत ख़राब स्टॉक है, आई एम नॉट सेइंग दिस, मेरी बात को समझने की कोशिश की है, जब तक कि किसी भी न्यूज़ का प्रॉपर क्लैरिफिकेशन SEBI या BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की तरफ से नहीं आता है, तब तक आप उन र्यूमर्स पर किसी भी तरह के स्टेप्स मत लीजिए, ना तो बाइंग कीजिए ना ही सेलिंग कीजिए, क्योंकि वो र्यूमर्स जब तक एक्चुअल न्यूज़ में कन्वर्ट नहीं होते तब तक आप उन पर रिलाय नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट है ये, यहाँ पर किसी को अगर कुछ स्टेक खरीदना होगा तो वे एक फेक न्यूज़ को उसको एक यू नो एक गलत न्यूज़ को उसको फैलाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको। ओके, तो इस चीज़ को आप समझिए, मार्केट है, यहाँ पर अपना सेंस यूज़ कीजिएगा, अगर आप अपना सेंस यूज़ नहीं करेंगे, आप र्यूमर्स को रियल न्यूज़ मान लेंगे और रियल न्यूज़ को आप र्यूमर मान लेंगे, देन डेफिनेटली आप इस मार्केट से ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग लीडरशिप टीम, ये इनकी लीडरशिप टीम है जो कि आप देख सकते हैं, मिस्टर जयंती पटेल, मिस्टर आशीष सोपारकर, मिस्टर नटवलाल पटेल, मिस्टर रमेश पटेल, मिस्टर अनंत पटेल, मिस्टर अनिक पटेल, मिस्टर मलिक पटेल, मिस्टर कौशल सोपारकर, मिस्टर दर्शन पटेल एंड मिस्टर करण पटेल वगैरह वगैरह, अबाउट अस वगैरह, ये आप बाकी कंपनी के बारे में देख सकते हैं, लोकेशन आपकी, कैपेसिटी आपकी, प्रोडक्शन आपका 32,940 मीट्रिक टन पर एनम की इनकी टोटल कैपेसिटी है, जो कि अहमदाबाद में लगभग 2,940 मीट्रिक टन की रहती है, भरूच में लगभग 17,400 मीट्रिक टन की है, जो कि CPC ब्लू अल्फा एंड द बीटा ब्लू वगैरह वहाँ पर मैनुफैक्चर करते हैं, एंड दहेज SEZ में 12,600 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी है, जो कि CPC ब्लू अल्फा एंड द बीटा ब्लू वगैरह, CPC ब्लू में पिगमेंट ब्लू आता है, पिगमेंट ग्रीन आता है, एंड प्रोडक्ट्स सोल्ड टू इंडस्ट्रियल यूजर्स, रोबस्ट डिमांड ड्यू टू द मल्टीपल एप्लीकेशन, प्रिंटिंग इंक, प्लास्टिक, पेंट्स, कोटिंग, टेक्सटाइल, लेदर, पेपर एंड द रबर वगैरह में सब यूज़ होता है।
प्रोडक्शन मीट्रिक टन में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन आप देख सकते हैं आपके सामने रिकॉर्डेड FY14 में 13,849 था, जो कि अब बढ़ के पिछले 5 साल में 25,982। ये रिकॉर्ड्स नकली नहीं है, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, मैनेजमेंट इशू हो सकता है, बट जो रिकॉर्ड्स पेश किए जा रहे हैं दैट इज़ नॉट अ फेक रिकॉर्ड्स, ये आप याद रखिएगा। डिस्पैच सेल्स 14 से लेके 18 तक 10,273 मीट्रिक टन से बढ़कर 16,090 मीट्रिक टन हो गई है। नेट सेल्स 4,016 मीट्रिक टन से बढ़ के 5,877 मीट्रिक टन हो चुकी है FY14 में से 18 तक, ठीक है। पिगमेंट बिजनेस इंडस्ट्री ओवरव्यू, सिंपल सी बात है, ये पिगमेंट आप देख सकते हैं पिगमेंट मार्केट को 21.7% था, 21.7 जो यूएस डी जो था बिलियन में, ये है कितना 21.7 बिलियन डॉलर्स जो है ये 2017 में था, जो कि अब बढ़ के 27.6 बिलियन डॉलर हो चुका है 4.1 CAGR के हिसाब से। डिमांड ड्राइवर डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्रियल यूज 9%, अब आप ये पेंट एंड कोटिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 24%, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है प्रिंटिंग इंक में 47%, प्लास्टिक्स में लगभग 10% यूज़ होता है, पेंट एंड कोटिंग में 24% यूज़ होता है, टेक्सटाइल में 10% यूज़ होता है पिगमेंट, और 9% यूज़ होता है अदर यूजेज में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इस शीट को डिटेल में पढ़िएगा सारा। द ग्लोबल पिगमेंट इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ द 3 सेगमेंट, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एंड द स्पेशलिटी पिगमेंट्स, ठीक है। जो ऑर्गेनिक होता है स्पेशली वो आपका जो भी कच्चा तेल वगैरह उससे होता है, इनऑर्गेनिक जो होता है कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह होती हैं उसके थ्रू ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं। एंड ऑर्गेनिक पिगमेंट अकाउंट फॉर द 35-40% मार्केट शेयर आउट ऑफ द टोटल पिगमेंट इंडस्ट्री, लगभग 35-40% का इनका मार्केट शेयर है ऑर्गेनिक पिगमेंट में। ऑर्गेनिक पिगमेंट इंक्लूड द AZO पिगमेंट्स येलो एंड द रेड 50-55% शेयर, ठीक है। इसके अलावा आपका है थैलोसियानाइन पिगमेंट ब्लू एंड ग्रीन 20% शेयर एंड द अदर पिगमेंट 25-30% शेयर। सो ये पूरी शीट आप पढ़िएगा, उसको आपको डिटेल में पता चलेगा। लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ द पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट अक्रॉस द एंटायर द वैल्यू चेन, एस्टैब्लिश ग्लोबल प्रेजेंस अक्रॉस द अफ्रीका ब्राज़ील लेटम US यूरोप, स्ट्रॉन्ग पैन इंडिया प्रेजेंस अक्रॉस द 17 स्टेट्स विद 2800 स्टॉकिस्ट एजेंट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स डीलर नेटवर्क 567 रजिस्ट्रेशन 333 रजिस्ट्रेशन द पाइपलाइन 35 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क मेजर प्रोडक्ट 2,4-D एंड साइपर मैथ्रिन परमिथ्रिन एंड क्लोरो क्लोरीफ्रेस एंड प्रोफिनोफॉस, ये नाम थोड़े से टिपिकल है सॉरी सर, तो उनको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा इशू है क्योंकि ये केमिकल नेम्स हैं तो थोड़ा सा क्रिटिकल रहते हैं। वेल रिकॉग्नाइज्ड फॉर्मुलेशन ब्रांड मेजेस्टर, ठीक है, मेगा साइपर, मेगा बैन, सिनर्जी, करेज, तो ये सब 36 ब्रांड्स हैं जो कि इनके हैं, ये आप देख सकते हैं इनके ब्रांड्स वगैरह जो भी हैं। सो ये ओवरऑल इनकी पूरी शीट है, चाहे वो एबिटा को लेके हो, चाहे वो रजिस्ट्रेशन बेस को लेके हो, चाहे वो डिस्पैचेस को लेके हो, नेट सेल्स को लेके हो, एबिटा, सभी में कंपनी में ग्रोथ अच्छी है। बट द प्रॉब्लम क्या पर है, प्रॉब्लम यहाँ पर है कि इनका कंटिन्यूसली जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो डिक्रीज़ हो रहा है कंटिन्यूसली, इनका अच्छे परफॉर्मेंस नहीं आया इस बार, तो ये सारे इश्यूज़ हैं। साथ में कुछ जो भी बातें उड़ी हैं इन्वेस्टर मीट को लेकर वो भी कुछ कंसर्न हो सकते हैं। सो गाइस ये मेघवानी ऑर्गेनिक्स के बारे में, फिलहाल मैं आप सभी से कहूँगा कि फिलहाल इस काउंटर से आप बच के रहिए, बाकी शीट बहुत लंबी है, इसमें बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। यहाँ से आप देखेंगे अभी वीकनेस स्टिल बनी हुई है, जब तक ये 75 के ऊपर की क्लोथिंग नहीं देगा तो अब मुझे ये स्ट्रांग नहीं लगेगा, आफ्टर 75 ही इसमें ट्रेंड रिवर्सल आएगा। 50 से लेके 56 के बीच में ये कंसोलिडेट हो सकता है अपकमिंग डेज के अंदर, और एक बार 50 लेवल अगर टूटा तो दोस्तों फिर मुझे काफ़ी उसमें प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। 50 इज़ ए बिग सपोर्ट लेवल, अगर 50 टूटा तो बहुत और भी ज़्यादा आपको फॉल 30-35 रेंज तक दिख सकता, बट मुझे नहीं लगता कि 50 के नीचे ये काउंटर जाना चाहिए। सो दोस्तों ये रहा, अभी फिलहाल किसी भी तरह से फ्रेश बाइंग से बचिएगा, जिन्होंने पोजीशन नहीं बनाई है वो आप बचिएगा, ट्रेडिंग मत कीजिएगा मार्जिन्स में, पोजीशन किसी भी तरह की फ्रेश बाइंग अभी नहीं करनी है जब तक ये काउंटर 75 के ऊपर की क्लोथिंग नहीं देता। सो दोस्तों मेघमानी ऑर्गेनिक्स में इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करूँगा कुछ और अपडेट्स के साथ, आप सभी के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिएगा, नमस्कार दोस्तों।